सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको SOS का ड्राइंग का पेपर ए जो लास्ट ईयर आया था वो आपको अभी सॉल्व करके मैं बताता हूँ, क्योंकि कल जो है 22 तारीख को 10th क्लास का ड्राइंग का पेपर है, तो हो सकता है इस पेपर से आपको थोड़ी सी सुविधा मिले कि कितने नंबर का पेपर आता है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, तो मैं सब आपको बताऊंगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि यदि आपका कोई भी नियर डियर में 10वीं कक्षा का छात्र है, छात्रा है, कोई भी है जिन्होंने अभी SOS से ड्राइंग का पेपर देने हैं, उन तक इस पेपर को जरूर पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर करें इसको। तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, ये है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, विद्यार्थी पैमाना ना बदले, जो स्केल ड्राइंग आप बनाएंगे उसमें पैमाना नहीं बदलना है, ड्राइंग कागज का केवल एक ही और प्रयोग करें, मतलब दोनों साइड आपने नहीं बनाना है कागज पे, एक ही साइड आपने उसका यूज करना है, अपना रोल नंबर प्रत्येक कागज के ऊपर दाएं कोने में अंकों और शब्दों में साफ साफ लिखें, और सफाई रचना और उत्तर की रेखाओं का विशेष ध्यान रखें। तो ये आपको थोड़े निर्देश दिए गए। ये जो आपका पेपर है ये आएगा 65 नंबर का, इसमें पहला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसकी आपकी 36 नंबर की आएगी, 6 प्रश्न आपने करने हैं और एक प्रश्न जो प्रत्येक जो प्रश्न है वो 6 नंबर का होगा। जैसे पहला आपका प्रश्न है कि किसी ज्ञात वृत्त की दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचे जिनका अंतर्गत कोण मिलाने पर दिए हुए कोण एक्स के समान कोण बनाए। तो ये आपकी बुक पे है प्रश्न नंबर 101, ये आप देख सकते हैं जिसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के इनको देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है वो वहां पे देख सकते हैं। फिर ये 6 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है एक समपंचभुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं अपनी दिशा में दी है, बहुभुज को पूरा करें, ये आपका प्रश्न है 89, ये प्रश्न नंबर आपका है। और ये और में भी इसमें दिया हुआ है, आप या तो ये कर सकते हैं या आप दूसरा कर सकते हैं, ए बी रेखा पर सम षटभुज विशेष ढंग से बनाओ, तो ये आपका है 90, ये साथ दोनों एक ही पेज पे है, ये ऊपर वाला 89 है और दूसरा 90 है, तो इनमें से आपने एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, या तो आप पंचभुज बनाइए या आप षटभुज बनाइए विशेष ढंग से। तीसरा है दिए हुए वृत्त के बाहर दिए बिंदु डी से स्पर्श रेखा खींचो, तो ये तीसरा प्रश्न है और ये है 99, प्रश्न नंबर 99 है, ये आप देख सकते हैं। चौथा आपका है एक वृत्त बनाओ जो रेखा ए बी के बाहर ज्ञात बिंदु क्यू और रेखा ए बी को बिंदु पी पर स्पर्श करें, ये चौथा प्रश्न है और ये है 113 प्रश्न नंबर आपकी बुक में जो दिया गया है, या तो आप इसको बनाइए। अब इसमें भी अथवा में दिया हुआ है, इसमें अथवा में दिया हुआ है कि तीन स्पर्शक वृत्त खींचो जिनके केंद्र स्थान ए बी सी दिए है, और ये है 121 प्रश्न नंबर, तो आप इनमें से कोई एक बनाएं, ये दोनों आपने नहीं बनाना है। अब दो आपके जो है वो सॉलिड ज्योमेट्री में से पिंड ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, जैसे पांचवा प्रश्न नंबर है आपका है कि सम बाहु त्रिभुज घनक्षेत्र जो अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है, त्रिभुज की भुजा भूमि रेखा के समानांतर है, सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, भुजा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यह है प्रश्न नंबर 29 जो आपकी पिंड ज्योमेट्री है। पिंड ज्योमेट्री आप देख सकते हैं जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये वाला ये प्रश्न है और ये प्रश्न नंबर 29 आपकी बुक पे है, इसकी आप खूब तैयारी करें। इसकी भी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जरूर मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक अथवा में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि वर्ग अपने कर्ण पर खड़ा है और बीपी के समानांतर है, ये आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। आपने या तो ये पहले वाला बना देना या दूसरा पांचवे का जो अथवा में है, इनमें से दो में से आपने कोई एक प्रश्न बनाना है। अगले पेज पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 6,
ये भी सॉलिड ज्योमेट्री से है कि वर्गाकार शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि शुंडाकार अपने धरातल पर क्षितिज धरातल एच बी पर खड़ा है। वर्ग की भुजा लंब की भुजा लंब धरातल के समानांतर है। भुजा 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 5 था ये भी अथवा में था, इनमें से दो में से आपने एक बनाना है। और जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ये आपका यही आपने बनाना है, और ये जो है आपकी बुक में है प्रश्न नंबर 13, ये आपने वहां से देख के बनाना है। अगला आपका है स्केल ड्राइंग का प्रश्न नंबर 7। तो ये है दिए हुए दृश्य चित्र में ड्राइंग डेस्क का सम्मुख पार्श्व और ऊपरी दृश्य बनाओ, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के दिया हुआ है। तो ये जो आपकी स्केल है स्केल नंबर 15 है। वैसे 10वीं में जो है उसके नंबर 16 से 32 तक हम करवाते हैं, पर बोर्ड ने SOS के लिए ये स्केल नंबर 15 डाली है, तो आपने ये बनानी है। ये लास्ट ईयर की है, ये अभी नहीं आएगी, ये लास्ट ईयर जो मार्च में पेपर हुआ था उस महीने की है, तो पुराना ये पेपर है, मैं इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस तरह से इसकी जैसे लेंथ दी हुई है 90 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ है 59 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 105 सेंटीमीटर। इसमें जो एलिवेशन है वो 8 नंबर क्या है, साइड इसकी 7 नंबर की है, प्लान 7 नंबर का है, स्केल आकार जो पैमाना बनाते हैं वो 2 नंबर का है, कागज़ की बांट आप करते हैं वो भी 2 नंबर की है, लिखाई और सफाई के जो है इसमें 3 नंबर है, कुल ये 29 नंबर का है। तो इस तरह से आपका जो ज्योमेट्री का जो पेपर है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का है वो आता है आपके लिए 36 नंबर के, 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, और जो आपका स्केल ड्राइंग है ये है आपका 29 नंबर का। इस तरह से ये आपका 65 नंबर का पेपर जो है वो होना है, और जो 35 नंबर आपके बचते हैं वो प्रैक्टिकल का है, वो पेपर आपका बाद में होगा, और आपने अपने सुपरिटेंडेंट से सर जो वहाँ पे होंगे एग्जाम के जो सुपरिटेंडेंट होंगे या जो भी आपके पास वहाँ इन्विजिलेटर होंगे, आप किसी भी पूछ सकते हैं कि सर हमारा ड्राइंग का पेपर कब होना है, तो आपको वहाँ पे डेट दे देंगे सेंटर में, और जिस डेट को आपको बुलाता है तो आपने उस दिन वहाँ पे जाना है और आपका ड्राइंग का पेपर होगा। उसमें आपके लिए आता है मॉडल और डिज़ाइन, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, फिलहाल आपके लिए मैं बता देता हूँ ये 35 नंबर का है और मॉडल और डिज़ाइन उसमें आएगा। इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। किसी भी प्रश्न को हल करने में यदि आपको समस्या आती है, आपको दिक्कत आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने, और आप जो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आपके कोशिश है कि सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, नहीं तो आप मुझे इनबॉक्स में जो जा कर के है मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं सर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका समाधान कर सकूँ आपकी समस्याओं का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।